एक प्रतियोगिता चर्चा में बनी हुई है। दरअसल प्रतियोगिता जीतने पर इनाम में बकरा, मुर्गा, मछली, अंडे जैसे अनूठे इनाम इस कबड्डी प्रतियोगिता में चर्चा में चल रहे हैं। आपको बताया, दरअसल आयोजकों ने प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को ऐसे ही इनाम देने की घोषणा कर रखी है। कल से शुरू हुई इस दो दिवसीय प्रतियोगिता का आज फाइनल है। जैसे ही सोशल मीडिया पर इस प्रतियोगिता की जानकारी वायरल हुई तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अमितेश शुक्ल ने आयोजन में आने से किनारा कर लिया, लेकिन लोगों में इसका रोमांच कम नहीं हो रहा है। स्मृति में कैसा चल रहा के तहत में ये कबड्डी रखा गया हूँ, जिसमें भाग लेंगे कम से कम 120-130 टीम के आसपास में है। कितने दिन चलेगा ये खेल? ये टीम कल समापन हो जाएगा सर। टीम आएंगे सर, क्योंकि इधर का माहौल ये है, बकरा मुर्गी और इसी का इनाम में ज्यादा होते हैं खिलाड़ी लोग। सर ना इनाम को देखते हुए कैंसल गाँव वाले करवा दिए केशव चंद्र ने जाकर, वो इनाम क्योंकि महाराज है करके उसको कैंसिल करवाए। अधिक जानकारी के साथ पुरुषोत्तम पात्रा जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, इनाम तो बड़ा रोचक ही रखा है। जो सर प्रथम खिलाड़ी आएगा उसको क्या मुर्गी मिलेगी या बकरा मिलेगा, ये कैसा प्राइज है, किसके दिमाग की उपज है ये? निश्चित तौर पर जो आयोजक है, जो चंद्राकर है, उनका यही कहना था कि उनके पिताजी मांसाहार थे और इस मांस मटन के काफी शौकीन थे, और ये आयोजन उनकी जो है पुण्यतिथि के अवसर पे आयोजन करने की उन्होंने सोची, और इस तरह से अनोखा इनाम भी उन्होंने रखा। शुरू में तो बहुत ट्रोल हुए, यहाँ तक कि जिस विधायक को इन्होंने, क्षेत्रीय जो विधायक हैं उनको भी अतिथि बनाया था, वो भी नाम वापस कर लिए जब सोशल मीडिया में मामला आया। लेकिन जैसा ही आयोजन शुरू हुआ तो देखने को मिला कि कितना अच्छा रिस्पांस इसको मिल रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, इवन मध्य प्रदेश के देवास, जबलपुर और इंदौर जैसे जगह से महत्वपूर्ण बड़ी जगहों से खिलाड़ी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और आयोजन कल रात से शुरू हुआ है जो अभी निरंतर अभी भी जारी है। चलिए, शायद अपनी तरीके के अलग ही आयोजन है जिसकी वजह से शायद खिलाड़ी भी वहां पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम। एक्सप्रेस स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।